गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास यूकेजी में बच्चों हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्तनी और श्रुति लेख। ये जो पढ़ेंगे बच्चों, ये हमारा जो काम है, ये है हमारा सेकंड टर्म सेकंड असेसमेंट यानी फाइनल टर्म के लिए। इसलिए बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से इसका अभ्यास अब पढ़ना है। ये जो वर्तनी है बच्चों, आप लोग की वेबसाइट पे भेजा जा चुका है, इसीलिए आप लोग को इसका प्रतिदिन अभ्यास करना है, अच्छे से इसे याद करना है। आज बच्चों मैं आप लोग को बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगी, 20 प्रश्न आप लोग को समझाऊंगी। क्योंकि बच्चों आप लोग का जो अभी क्लास चल रहा है, एग्जाम जिस तरह से हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम, उसमें बच्चों आप लोग का 25 प्रश्न आते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोग वो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को पता है उसमें 25 प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 उसका ऑप्शन होता है, 3 गलत होता है और एक ही जवाब सही होता है। उसको आपको अच्छी तरह से पढ़कर तब उस पे सही जवाब पर आपको सही का निशान लगाना है, आप लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले मिस ने आपको बताया है कि जब हम लोग वर्तनी और श्रुति लेख का परीक्षा लेते हैं, शिक्षिका के द्वारा जो बोला जाता है वो कक्षा में होता है बच्चों परीक्षा। वो किस तरह से होता है? हमारा 15 वर्तनी पुकारा जाता है और 5 श्रुतिलेख पठित और 5 श्रुतिलेख अपठित पुकारा जाता है शिक्षिका के द्वारा। ये जो बच्चों परीक्षा होती है ये कक्षा में होती है। जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां इस तरह से परीक्षा लिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग घर पे हैं तो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम हम लोग इसी तरह से ले रहे हैं, जिसमें आपका 25 प्रश्न आ रहे हैं और आपको उसमें से सही उत्तर का जवाब देना है। तो बच्चों मैं सभी एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएंगी। उससे पहले बच्चों मैं आप लोग को कुछ चित्र दिखाऊंगी, जो कि जो मात्रा हम लोगों ने पढ़ा है, अहरी, संयुक्ताक्षर, रंगों के नाम, बहुत सारे चीज हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे ये चित्र है, और आप लोग को उस चित्र को पहचानना है बच्चों और उनके नाम को बताना है। तो चलिए मैं आपको चित्र दिखाएगी। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये किस चीज का चित्र है? ये है ऋषि। ये क्या है बच्चों? ये है ऋषि। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है कुत्ता। संयुक्ताक्षर शब्द आपने पढ़ा है, इसे हम बोलते हैं कुत्ता। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? आप जानते हैं ये एक सब्जी है, लेकिन कौन सी सब्जी है? यह है टमाटर। और इस टमाटर का रंग कैसा है बच्चों? यह है लाल। हम रंग के बारे में बता रहे हैं, ये किस रंग का है? लाल। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? यह है झंडा। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? सेम बोलते हैं पत्ता। अब ये बताइए बच्चों, मिस ने उंगली अपना फिंगर कहाँ रखा है? सिर पे। और सिर पर क्या है? बाल। और ये हमारा बाल किस कलर का है बच्चों? किस रंग का हमारा है ये बाल? काला। तो हम पढ़े हैं बाल किस रंग के होते हैं? काला। और हमारे आंखों का रंग भी क्या होता है? काला। तो चलिए बच्चों, अब मिस बोर्ड पर आप लोगों को समझाएगी, आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब है बच्चों नंबर 1, सही शब्द चुने। इसमें से सही शब्द कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा है छ, छ पे हम निशान लगाएंगे। नंबर 2, शुद्ध वर्तनी चुने। कौन सा है शुद्ध वर्तनी? अतः। नंबर 3, सही शब्द चुने। कौन सा सही शब्द है? मृग। नंबर 4, शुद्ध वर्तनी चुने। कौन सा शुद्ध वर्तनी है बच्चों? ध्यान देना है, ट्रेन। अब हम आएंगे बच्चों नंबर 5। नंबर 5, सही शब्द चुने। कौन सा सही शब्द है? झंडा। नंबर 6, शुद्ध वर्तनी चुने। कौन सा शुद्ध वर्तनी है बच्चों? बच्चा। नंबर 7, सही शब्द चुने। सदृश। नंबर 8, शुद्ध वर्तनी चुने। शुद्ध वर्तनी सफेद। ध्यान देना है हम लोग को। अब है नंबर 9, सही शब्द चुने। सही शब्द अम्मा। नंबर 10, शुद्ध वर्तनी चुने। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ध्यान से देखिए बच्चों, मच्छर। नंबर 11, सही शब्द चुने। सही शब्द उल्लू। नंबर 12,
शुद्ध वर्तनी चुने। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? पक्षी। अब है बच्चों नंबर थर्टीन, सही शब्द चुने। ध्यान से बच्चों सही शब्द को देखना है और तब टिक लगाना है, आराम से, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो सही शब्द कौन सा है बच्चों इसमें? पत्र। नंबर 14, शुद्ध वर्तनी चुने। इसमें से शुद्ध वर्तनी देखिए ध्यान से कौन सा है? शुक्रवार। नंबर 15, सही शब्द चुने। सही शब्द कौन सा है? बैगनी। नंबर 16, शुद्ध वर्तनी चुने। ध्यान से देखिए, लाल। लाल पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब आएंगे बच्चों हम नंबर 17, सही शब्द चुने। सही शब्द कौन सा है? सोमवार। नंबर 18, शुद्ध वर्तनी चुने। ध्यान से बच्चों कौन सा है? हरा। नंबर 19, सही शब्द चुने। कौन सा सही शब्द है? गन्ना। नंबर 20, शुद्ध वर्तनी चुने। कौन सा शुद्ध वर्तनी है बच्चों हमारा? हृदय। तो ये था बच्चों हमारा 20 प्रश्न और उसके उत्तर हमने जो चुन करके सही उत्तर हमने टिक लगाए हैं। तो बच्चों ये मिस जो आपको बताई है 20 प्रश्न का उत्तर जो आप लोगों को समझाई है बोर्ड पर, वो 20 प्रश्न मिस करवाई है, लेकिन इससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि मिस ने 20 ही प्रश्न बताया है। वो मिस ने बच्चों आप लोग को बस एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे? 25 आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। और उसका यह हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, 3 जो जवाब होगा वो गलत होगा, 1 जवाब सही होगा, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। और ध्यान देना है कि आप लोग का स्पेलिंग जो है आप लोग की वेबसाइट पे भेजा जा चुका है। आप लोग का काम है बच्चों केवल खेलना नहीं है, एकदम अच्छे से मन लगाकर हर दिन अगर आप 5-10-20 स्पेलिंग याद करेंगे, अच्छे से आप याद कर लेंगे। तो आप लोग को अच्छे से मन लगा करके स्पेलिंग को याद करना है। मिस आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रही है आप लोग को, क्योंकि आप लोग को मन लगा करके पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का ये फाइनल टर्म है। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।